इकने मार धाड़ किया असुरन, इकने मार धाड़ किया असुरन, इकने केवल प्यार दिया। कृष्ण जब छोटे थे, 6 दिन के थे, तभी से राक्षसों को मारना प्रारंभ कर दिया था। 6 दिन के पूतना वध किया, 6 दिन के। 1 महीने के थे तो शकटासुर को मार डाला। ऐसे ही 2 महीने के, फिर 3 महीने के, फिर 1 साल के, छोटी सी उम्र से ही असुरों को मारना प्रारंभ किया। और श्री राधा जी ने बचपन से लेकर जब तक वो रहीं ब्रज में और गोलोक में भी सदा केवल वो प्यार ही प्यार देती हैं। श्री कृष्ण तो छोड़कर चले गए गोपियों को, फिर लौटकर आए ही नहीं, मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका चले गए, और श्री राधा जी सदा गोपियों के साथ रहीं। केवल प्यार देना ही उन्होंने सीखा। इक को सदा मनावत बीतियो, इक ने नित प्रतिमान किया। श्री राधा जी चूंकि भोली भाली हैं, अपने ही प्रतिबिंब को श्री कृष्ण के हृदय में देखकर, श्री कृष्ण का शरीर और श्री राधा जी का शरीर कैसा है, दिव्य है। दिव्य शरीर तो महापुरुषों का भी होता है, लेकिन एक भेद होता है, देह देही भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित, वैशेषिक दर्शन में कहा गया। श्री कृष्ण और श्री राधा जी की आत्मा भी वही और शरीर भी वही, शरीर अलग आत्मा अलग ऐसा नहीं। देह देही भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित, ईश्वर में कभी भी देह और देही का भेद नहीं होता। देह अलग है, देही यानी आत्मा अलग है, ऐसा नहीं। आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, दो नहीं है। और लेकिन गोलोक में जो महापुरुष बैठे हुए हैं, चाहे वो गोपियां हों या और कोई भी महापुरुष हों, किसी भी भाव के, सख्य भाव के, वात्सल्य भाव के, दास्य भाव के, उनका शरीर अलग आत्मा अलग। जैसे हमारा है ना, शरीर है और आत्मा है, आत्मा चली जाती है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। तो गोलोक में या वैकुंठ लोक में या साकेत लोक में या शिव लोक में या देवी लोक में जो महापुरुष हैं, उनका शरीर तो दिव्य है, श्री कृष्ण की ही तरह। आप समझ नहीं सकते, गोलोक में आप अगर जब जाएंगे और श्री कृष्ण बैठे हैं और सारे सखा बैठे हैं, आप नहीं पहचान सकेंगे इसमें श्री कृष्ण कौन से हैं। सब एक जैसे सुंदर, वही रंग, वही रूप, वही आंख नाक सब, बस एक भेद होगा कि महापुरुषों का शरीर अलग आत्मा अलग। अलग माने जैसे हमारे हैं, लेकिन श्री कृष्ण और श्री राधा जी की आत्मा भी वही और शरीर भी वही। इसलिए श्री राधा जी रूठती तो हैं, लेकिन भक्तों को रस देने के लिए जो भक्त सामने बैठे हैं, अगर वो लगातार श्री राधा कृष्ण मान लीजिए गोलोक में बैठे हैं या मृत्यु लोक में आए अवतार लेकर, तो क्या लीला करेंगे? एक दूसरे को सदा प्यार ही करते रहेंगे तो देखने वाले जितने भक्त हैं, महापुरुष हैं, बोर हो जाएंगे। अरे वो तो ठीक है, हाँ वो तो प्यार करेंगे ही भाई, एक ही हैं दोनों। लेकिन बीच बीच में भक्तों को रस का संवर्धन हो,
रस और बढ़े तो बीच में रूठना भी आवश्यक है। पति पत्नी अगर कभी नहीं रूठते तो फिर तो वो नीरस सा हो जाता है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए रूठना भी चाहिए। कभी पति रूठ गया, पत्नी ने मनाया, कभी पत्नी रूठ गई, पति ने मनाया, तो उससे प्रेम बढ़ता है। तो राधा जी रूठती हैं, लेकिन इसलिए नहीं रूठती कि श्री कृष्ण को कष्ट हो, श्री कृष्ण को टेंशन हो, दुख मिले। सदा मान ठानति मति भोरी, सदा श्याम रुचि महारुचि जोरी। श्री राधा जी रूठती तो हैं, महाराज जी ने लिखा है, सदा सुहागिनी स्वामिनी मोरी, सदा प्रेम रस नख शिख बोरी। इसी में है, सदा मान ठानति मति भोरी। पहली किताब में था सदा श्याम रुचि महारुचि जोरी, लेकिन कृपालु नाम उसमें महाराज जी ने नहीं लिखा था, वो लाइन नहीं बनाई थी। अब जो किताब छपी है उसमें सदा श्याम रुचि महारुचि जोरी की जगह कृपालु लाइन आ गई है, लेकिन अर्थ वही है उसका कि श्याम सुंदर की रुचि में रुचि रख कर राधा जी रूठती हैं। और रूठती क्यों है? वही प्रेम के संवर्धन के लिए। तो उनका शरीर दिव्य है, राधा कृष्ण का, और श्री राधा जी के हृदय में श्री कृष्ण सदा रहते हैं, श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा जी सदा रहती हैं। तो श्री कृष्ण के हृदय में राधा जी बैठी हैं, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर राधा जी ने सोच लिया कोई और सखी बैठी है उनके हृदय। वो चमकता हुआ शरीर है ना राधा कृष्ण का, शरीर दिव्य है, चमकता रहता है, जैसे कांच में अपनी कोई परछाई देखे, ऐसे ही राधा जी जब श्याम सुंदर के हृदय में, तो राधा रानी बैठी हैं, लेकिन वो सोचती हैं ये कोई और स्त्री इनके हृदय में आ गई है, रूठ गई, बताओ, ऐसे रूठ जाती हैं वो। तो इक इक को सदा मनावत बीत्यो, इक नी नित प्रति मान किया।